हज कमेटी का जो कुरान दादी का जो प्रोसेस था अभी शुरू हुआ है, कुरान दादी जारी है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से यहाँ पर हज हाउस में कुरान दादी का एहतमाम किया गया था। ये कुरान दादी बॉम्बई सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइड से होती है। यहाँ पर खाली बटन दबाया जाता है। हमारा जो हिंदुस्तान का जो कोटा था, हज का जो कोटा अलाट किया गया था हुकूमत सऊदी अरेबिया की जानिब से, वो 1,75,000 का कोटा हिंदुस्तान के लिए अलाट किया गया था, जिसमें से 50,000 PTOs यानी के प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोटा है और 1,25,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा अलाट किया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन के तनासुब के हिसाब से सारी 29 रियासतों को वो कोटा अलाट करती है, तो उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को भी कोटा अलाट किया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जो रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज़मीन के जुमला जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं 13,368 अप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं हमको, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी यानी के फ्रेश जो अप्लीकेशन रिसीव हुए वो 12,884 दरख्वास्तें जो है जनरल कैटेगरी में आए। हमारे यहाँ पर एक रिजर्व कैटेगरी है अबव 70 ईयर्स के जो विदाउट खुरा मुंतखब होते हैं, वैसी दरख्वास्तें हमको 484 यानी कि 484 दरख्वास्तें वसूल हुई है। और इस मरतबा जो कोटा अलाट किया गया है तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को रियासत तेलंगाना के आज़मीन के लिए वो है 4,169 का, 4,169 का कोटा हमारी रियासत के लिए अलाट किया गया, तो जिसमें रिजर्व कैटेगरी के 484 को लेस करने के बाद मिना करने के बाद जो ड्रा आज किया गया जा रहा है वो ड्रा है 3,685 का ड्रा अभी किया जा रहा है, 3,685 का अभी ड्रा किया जा रहा है। हमको सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें वसूल हुई है वो हैदराबाद से वसूल हुई है, ज़िले हैदराबाद से जुमला दरख्वास्तें 8,411 अप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, और सबसे कम जो दरख्वास्तें हमको आई है वो है महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ 4 दरख्वास्तें हैं, 4 अप्लीकेशन जो है महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमको रिसीव हुए हैं। तो ये जो भी मुंतखब होंगे अभी जो आज़मीन मुंतखब होंगे उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,000 का पेमेंट करना होगा इंशाल्लाह ताला। उसकी डेट का ऐलान 10 से 12 दिन में इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट बाद में पे करना होता, 2 इंस्टॉलमेंट में सारा पेमेंट करना होगा इंशाल्लाह ताला। और ये जितना भी अभी ड्रा हुआ है ये SMS के जरिए सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया सारे आज़मीन को SMS के जरिए इसकी तल्ला भी दे देती है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट पर देखना है तो ये सारी लिस्ट तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की वेबसाइट पर www.telanganastatehajcommittee.com पर भी देख सकते हैं।
या तो हमारे सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी इसको हम आप देख सकते हैं www.hajcommittee.gov.in पर भी इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो फ्लाइट डिपार्चर होंगे यहाँ से आदमीन की जो रवानगी होंगी इंशाल्लाह ताला दो फेस में होंगी, दो मरहलों में होंगी, जो पहली जुलाई से 3 अगस्त तक यहाँ से हिंदुस्तान से आजमीन इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे आजमीन यहाँ से। और जो यूम अरफा है, अरफात डे जो है वो 10 अगस्त रहेगा। तो हमारा जो लास्ट ईयर का जो पैकेज था हमारा आज का, उस पैकेज के हिसाब से 41 days to 43 days तक हमारा पैकेज था। कुछ आजमीन को हुज्जाज अकराम को 41 days था, कुछ को 43। इंशाल्लाह ताला अभी भी 40 दिन के आसपास इंशाल्लाह हमारा हज का पैकेज होगा। लास्ट ईयर जो पेमेंट्स थे वो ग्रीन कैटेगरी में, खास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस मरतबा ग्रीन कैटेगरी हमारे यहाँ पर दो जिम्रे हैं, एक ग्रीन एक अजीदिया। इस मरतबा ग्रीन का नाम तब्दील किया गया है और उसका नाम ये रखा गया कि NCNT जोन, नो कुकिंग नो ट्रांसपोर्ट जोन। क्योंकि ग्रीन कैटेगरी के हमारे जो बिल्डिंग्स है वो 700 मीटर से 1000 मीटर के अंदर है हरम शरीफ से, लिहाजा वहाँ पर हुकूमत सऊदी अरब ने पकवान के इंतजाम का परमिशन नहीं दिया है और 1000 मीटर के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम नहीं होता। तो इसमें पकवान आदमी को अपने खुदी से आप इंतजाम करना होगा। अलबत्त अजीदिया में जो दूसरी कैटेगरी है अजीदिया की, वो हरम शरीफ से 7.5 से 8 किलोमीटर पर है, वहाँ पर किचन प्रोवाइड किया जाएगा, गैस स्टोव और 2 सिलेंडर हज कमेटी की जानिब से दिए जाएंगे। लास्ट टाइम बहुत सारे अभी आजमीन हमसे बार बार ये पूछ रहे थे कि हज कमेटी को फोन भी आते कि लास्ट टाइम का हमारा पैकेज क्या था, कितना पेमेंट था। तो लास्ट टाइम ग्रीन कैटेगरी में 2,55,500 था और अजीदिया में 2,20,750 रुपये का पेमेंट था। इस साल भी इंशाल्लाह ताला कुछ आगे पीछे हो सकता, कुछ पीछे तो नहीं बल्कि